हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हायर एजुकेशन। और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज कुछ नए तरीके से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए रहेगा। इसमें मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं आफ्टर क्लास ट्वेल्थ, आपको कौन कौन से एग्ज़ाम देने चाहिए, सभी चीज़ें आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में भी बात करेंगे कि सब इनके एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, क्योंकि कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स ऐसे हैं जो शायद आपके ट्वेल्थ बोर्ड्स के साथ क्लैश भी हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अभी एप्लीकेशन फॉर्म्स और एग्जाम्स की डेट्स जो हैं रिलीज़ नहीं हो पा रही हैं, तो मैं अभी आपको थोड़ा नोटिफाई करता हूँ। और आप लोगों को शायद ना पता हो तो आप लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा कि जो बच्चे मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के लिए जो कर रहे हैं, एंड जो जनरल आर्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं एंड कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम आपको देने चाहिए, इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं बात करने जा रहा हूँ मैनेजमेंट कोर्सेज के बारे में। तो मैनेजमेंट कोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे। सॉरी, यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लेना, दिस इज फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, दिस इज फिफ्थ पॉइंट। तो इसमें क्या है, पहला जो मैंने एंट्रेंस एग्जाम लिखा है, अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हो तो BBA, BMS एंड BCom जैसे कोर्सेज में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपके लिए IPUCT इज़ परफेक्ट ऑप्शन। एंड यहाँ पे आपकी जो एलिजिबिलिटी होती है 50% होती है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म अभी नहीं आया है, एप्लीकेशन फॉर्म इसका आता है मार्च में ही आता है, लास्ट ईयर भी 3 मार्च के आसपास आया था। तो इसका जो अभी एप्लीकेशन फॉर्म है वो डेट अभी रिलीज़ नहीं हुई है, बट ये एग्ज़ाम आप लोग ज़रूर देना। इसके एप्लीकेशन फॉर्म जैसे आएंगे मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। नेक्स्ट हम जो देखते हैं दैट इज BHU, आप इसकी भी अभी डेट नहीं आई है। BHU भी का थोड़ा भी चल रहा है कि बनारसी दास हिंदू यूनिवर्सिटी है, शायद इस साल हो सकता है कि CUCET के बेसिस पे एडमिशन अपने ले। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो अगर आप बनारसी दास हिंदू यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। इसके बाद मैनेजमेंट में और बनारसी दास हिंदू यूनिवर्सिटी का जो फेमस है वहाँ पे आप BCom ऑनर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे BBA नहीं होता। तो BCom कोर्स के लिए आप बनारसी दास हिंदू यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप DUJET का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट, ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में ही आता है। इसमें आप BMS कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, और इसकी एलिजिबिलिटी होती है 60% क्लास ट्वेल्थ में, एंड मैथ इज़ कंपल्सरी, यहाँ पे मैथ कंपल्सरी है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे BBA भी होता है, बैचलर ऑफ BBA इन FIA यहाँ पे होता है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स यहाँ पे आप कर सकते हैं होटल इसमें DUJET के एग्ज़ाम में। इसका भी एप्लीकेशन फॉर्म अभी नहीं आया है, जैसे ही मैं आएगा आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं IPMET के बारे में। तो IPMET का जो एग्ज़ाम है, जहाँ तक है कि 14th of June को कंडक्ट होगा, 14th June को आप नोट करते जाइए, साथ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ जो भी IPMET का जो एग्ज़ाम है 14th of June के आसपास कंडक्ट होगा। और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 2nd week of March में आने वाले थे। ठीक है, तो आप इसके लिए भी ध्यान रखिएगा, IPMET का एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंटीग्रेटेड जो 5 ईयर्स का मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपका CUCET भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी इसके लेके बहुत सारी बातें की जा रही हैं। फिलहाल में अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई नहीं होता है तो CUCET फिर भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। इसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप BBA करना चाहते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये कोर्स ऑफर किया जाता है। एंड CUCET अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक जामिया यूनिवर्सिटी के लिए भी एप्लीकेबल हुआ तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर्म बन के आएगा। तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी ये एग्ज़ाम आउट नहीं हुआ है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो का पहला पार्ट हमने कवर कर लिया है। और मैं इसी तरीके से वीडियो को एक सीरीज में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं है, तो मैंने इसको थोड़ा पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला हमारा कंप्लीट हो गया है मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए। अब नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है दैट इज़ फॉर लॉ एडमिशंस के लिए, कि लॉ में आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म के लिए क्या क्या ऑप्शन है। एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टॉप इंजीनियरिंग एग्जाम्स आफ्टर क्लास ट्वेल्थ, एंड उसके बाद हम बात करेंगे होटल मैनेजमेंट कोर्सेज के बारे में। तो वीडियो को सीरीज में देखते चलिए, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड उनकी डेट्स लेके आ रहा हूँ, ताकि आपका एक भी एग्जाम मिस ना हो पाए। सो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू सो मच।